और आज हम बात करेंगे के अल्फ़ाबेट वालों की, जिनका नाम के अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, जैसे कशिश, कांता, कल्पना। और के अक्षर वालों के लिए, के अल्फ़ाबेट वालों के लिए ये साल कैसे रहने वाला है, लेट्स सी टैरो क्या गाइड करते हैं। बेसिकली टैरो गाइड करते हैं कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। मैं इसको प्रेडिक्शंस कम लेती हूँ, गाइडेंस ज़्यादा लेती हूँ, ताकि हम करेक्टिव एक्शन ले सकें। अब ये जो के अक्षर वाले हैं, अभी अगर इमोशनली देखें तो ये काफ़ी इस समय हर्ट हैं, काफ़ी हर्ट्स इनको मिली है, मेंटली कंफ्यूज्ड हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन तो अभी ठीक है ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि अगर थोड़ा सा वो अपनी दुनिया को बड़ा करें, इफ़ दे एक्सपेंड देयर वर्ल्ड, तो थोड़ा सा ये जो टाइम चल रहा है उनका सोचने में कि हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रगल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन आप लोग सफल होंगे, आपकी सफलता निश्चित ही है, क्योंकि आप वो एक करेज इकट्ठा कर लेंगे अपने काम को करने के लिए आगे। जो सफलता होगी वो दोधारी तलवार जैसी होगी, तो जैसा कि ये कार्ड दिख रहा है अपने को, तो हमें थोड़ा सा संभल के सोच के इमोशनल लेवल से उठ के, क्योंकि इमोशनली कंफ्यूज्ड बहुत हैं इस समय आप कि क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तब भी हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, क्योंकि ये टाइम है जब लोग अपने कामों को बहुत चेंज कर रहे हैं, अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हैं, उन्हें नया काम ढूंढना है क्योंकि पुरानी चीज़ें अभी डेड हो चुकी हैं। तो उनसे बस यही कार्ड गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा आराम करें, थोड़ा सा सोचें, मेंटल स्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं लें, उनको क्लियर कट आंसर्स मिल जाएंगे और उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। स्ट्रगल तो वाकई रहेगी पर वो सफल भी रहेंगे उसमें। थैंक यू।